मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम दौरे पर हैं, जहां गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेएमडीए की बैठक लेंगे। वहीं बैठक में गुरुग्राम से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ समय से सीएम लगातार गुरुग्राम में विकास की योजनाओं को लेकर बैठक कर रहे हैं। तो सीएम जेएमडीए की बैठक लेंगे, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल का फिलहाल ये गुरुग्राम दौरा, अगर देखा जाए तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल लगातार दौरे पर हैं और ऐसे में बैठकों का जो उनका दौर है वो भी जारी है। तो आज सीएम मनोहर लाल फिलहाल गुरुग्राम दौरे पर हैं। आपको बताते चलें, सीएम जीएमडीए की बैठक लेंगे, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक होगी, जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है वहां फिलहाल ये बैठक चलेगी और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक सीएम मनोहर लाल की मानी जा रही है। इस बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष सामने आएगा वो देखना अहम होगा। तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ये बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जा रही है। सीएम जीएमडीए की ये बैठक लेंगे। तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल सीएम मनोहर लाल की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम मनोहर लाल चूंकि गुरुग्राम दौरे पर हैं और इस बैठक में शिरकत करेंगे, क्या कुछ इस बैठक के निष्कर्ष रहेंगे? आकाश खुराना न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि सीएम मनोहर लाल की ये गुरुग्राम दौरे पर हैं और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक होगी जीएमडीए की, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक के बाद निकलकर सामने आ सकते हैं, आपसे जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज गुरुग्राम के दौरे पर हैं और शाम को 6 बजे गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जो है जीएमडी की बैठक की जो है अध्यक्षता करेंगे। तो ऐसे में जो विकास कार्य हैं, जो रुके हुए विकास कार्य हैं और आगे जो विकास कार्य होने हैं, तो उसको लेकर जो है ये बैठक की जाएगी। तमाम अधिकारी जीएमडी के जो है उनके साथ मौजूद रहेंगे, गुरुग्राम के जो विधायक हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे, नगर निगम मेयर उनके साथ मौजूद रहेगी। तो ऐसे में तमाम अधिकारी उनके साथ रहेंगे और साथ ही जो एक बड़ा मुद्दा जो है गुरुग्राम में रहता है, जिस तरीके से जल भराव जो है मानसून में हो जाता है और मानसून भी हालांकि नज़दीक ही है, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या गुरुग्राम में देखी जाती है जल भराव को लेके। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं आज उनको लेकर बैठक गुरुग्राम में जीएमडीए की होने जा रही है शाम को 6 बजे। जी बिल्कुल आकाश, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर सीएम मनोहर लाल ये बैठक लेंगे, चूंकि बैठक तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ऐसे में सीएम मनोहर लाल लगातार जो है गुरुग्राम को कहें और जिले को कहें लगातार तमाम शिलान्यास तमाम उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं हमेशा, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारी जो है उनके कानों पर जू नहीं रेंगती, चूंकि बीते दिन पहले भी एक मामला गुरुग्राम से सामने आया जिस तरह से आपने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये बैठक सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ लेंगे, क्या लगता है, क्या कुछ दिशा निर्देश इस बैठक के द्वारा दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री हर महीने कम से कम 2 से 3 बार जो है गुरुग्राम में बैठक लेते हैं, चाहे नगर निगम की बात हो या अन्य किसी विभाग की बात हो, तो ऐसे में साफ तौर पे ये जीएमडी की जो बैठक है 10 दिसंबर को 9वीं बैठक जो है हुई थी और आज 10वीं बैठक गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शाम को 6 बजे होगी, जिसमें तमाम अधिकारी मौके पर होंगे। ऐसे में साफ उनको जो है सख्त निर्देश जो है दिए जाएंगे, जिस तरीके से तमाम दावे जो हैं गुरुग्राम में किए जाते हैं अधिकारियों की तरफ से कि जल भराव की जो एक बड़ी समस्या गुरुग्राम में रहती है, अधिकारियों की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि इस बार जल भराव गुरुग्राम में नहीं देखने को मिलेगा, हालांकि हर बार जो वो दावे हैं वो फेल हो जाते हैं और अधिकारी जो है उस पर चुप्पी साधते नजर आते हैं। तो ऐसे में आज गुरुग्राम में ये बैठक होने जा रही है जीएमडी की, और आपको बता दूं जीएमडी से पहले एक नगर निगम की भी बैठक जो है मुख्यमंत्री लेंगे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, तो ऐसे में उसमें भी नगर निगम कमिश्नर जो है वो रहेंगे, क्योंकि नगर निगम और जीएमडी दोनों ही अब जो है गुरुग्राम की जो समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है, वो चाहे सीवर की बात करें और टूटी सड़कों की बात करें, तो इनके ऊपर ही जो है जिम्मा है। तो ऐसे में जो इनके अधिकारी हैं बड़े तमाम जीएमडीए के नगर निगम के, वो इस बैठक
बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और जो रुके हुए विकास कार्य हैं उन पर जो है चर्चा की जाएगी और आने वाले जो जिस तरीके से जल भराव गुरुग्राम में ना देखने को मिले तो एक योजना जो है बनाई जाएगी। ठीक है आकाश, एक सवाल यहाँ पर ये और अहम हो जाता है, क्या लगता है नगर निगम के, जिस तरह से आपने बताया कि नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहेंगे, जीएमडीए के साथ बैठक लेंगे, लेकिन ऐसे में क्या लगता है जिस तरह से तमाम सीएम के द्वारा योजनाएं तमाम जो है लागू की जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल तक नहीं पहुंचती, तो क्या लगता है आज सीएम एक्शन मोड में नजर आ सकते हैं, आड़े हाथों ले सकते हैं अधिकारियों को? जी बिल्कुल, साफ तौर पे सीएम जो है आज जो अधिकारियों को है वो आड़े हाथों ले सकते हैं। जिस तरीके से पहले भी कई योजना का जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिलान्यास कर दिया था लेकिन उसके बाद जो है वो धरातल पर नहीं देखी जाती है, अधिकारी जो है उसमें ढिलाई जो है अपना लेते हैं, तो ऐसे में जो गुरुग्राम के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत वो भी कहीं ना कहीं खासा नाराज जो है अधिकारियों से दिखते हैं, क्योंकि पिछली जीएमडी की बैठक में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने जो है कई अधिकारियों को जो है लताड़ लगाई थी, तो ऐसे में एक सख्त निर्देश अब जो है इस बैठक में देखने को मिल सकते हैं और कार्रवाई भी जो है हो सकता है कि अधिकारियों पर हो इस बैठक में। जिस तरीके से लापरवाही गुरुग्राम में देखी जाती है, मुख्यमंत्री जो है आते हैं उद्घाटन करके चले जाते हैं, शिलान्यास करके चले जाते हैं लेकिन उसके बाद अधिकारी जो है चुपचाप बैठ जाते हैं, तो ऐसे में आज ये बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। जी चूंकि आकाश सीएम मनोहर लाल के द्वारा जगह जगह बैठकें की जाती हैं, फिर जब वो अपने दौरे पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं और समय सीमा भी बताते हैं कि इस समय सीमा तक ये सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं धरातल पर जो लोग हैं वो उस योजनाओं से वांछित रह जाते हैं, वहां तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे में क्या लगता है उन योजनाओं का भी ब्यौरा आज मुख्यमंत्री ले सकते हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो पेंडिंग काम है उनका ब्यौरा ले सकते हैं कि वो काम अब तक क्यों नहीं हुए, जब तक जिसकी जो टाइम सीमा थी काम की वो अब तक काम नहीं हुए, तो ऐसे में साफ तौर पे जो एक नगर निगम की भी जो है सामान्य बैठक जो होती है उसमें भी पार्षद जो हैं अधिकारियों से कहीं ना कहीं नाराज दिखते हैं, क्योंकि काम जो है उनके वार्ड में नहीं हो पाते। जिस तरीके से अभी 27 जून को जो है नगर निगम की सदन की बैठक है उसमें भी देखने वाली खास ये बात होगी क्या कुछ उस बैठक में रहता है, कि क्योंकि जिस तरीके से पहले जो नगर निगम की जो सामान्य बैठक है वो रहती है उसमें अधिकारियों पर साफ तौर पर आरोप लगाए जाते हैं कि काम जो है नहीं हो रहे उनके वार्ड में, और एक बड़ी जो जिला मौसम विभाग की तरफ से ये कहना है कि 27 जून को जो है मानसून भी दस्तक दे सकता है। एक बड़ा जो मुद्दा गुरुग्राम में रहता है कि जिस तरीके से जल भराव देखने को मिलता है, हालांकि विदेशों तक जो है गुरुग्राम का नाम जो है खराब। बिल्कुल आकाश, अभी देखना तो 6 बजे होगा, 6 बजे के बाद क्या कुछ दिशा निर्देश इस बैठक के निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।